आज हमें आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की पावन धरती और छोटी काशी के नाम से विख्यात बलरामपुर की धरती पर फिर आवे के मौका मिला। आपसे हमें खूब आशीर्वाद मिला है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन, यूपी के ऊर्जावान कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल किशोर जी, राज्य सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह, रमापति शास्त्री, मुकुट बिहारी वर्मा, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, बलदेव औलाद जी, श्री पलटू राम जी, मंच पर उपस्थित सभी संसद के मेरे साथीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्ण दत्तराम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है, उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है।
अनुशासन देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं।